तो गाइज इफ यू ऑल आर वंडरिंग कि अभी तो मैंने बाइक की फर्स्ट सर्विसिंग करवा ली है, बट बाइक मेरी अभी सिर्फ 500 किलोमीटर्स चली है और फर्स्ट सर्विस में हमने ऑयल भी चेंज करवा दिया है। अगर आपने फर्स्ट सर्विसिंग की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि इतनी जल्दी 500 किलोमीटर्स में ही हमने जो इसका ऑयल चेंज है वो फर्स्ट सर्विसिंग में करवा लिया, तो इसके पीछे कुछ रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कोई मेटल आइटम बनाया जाता है तो उसमें फिनिशिंग नहीं हो पाती है प्रॉपरली, तो कुछ जो मेटल्स के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो उसमें रह जाते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे इंजन में पार्ट होते हैं अलग अलग, क्रैंक शाफ्ट होता है वो रिवॉल्व करता है, पिस्टन होते हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, काउंटर बैलेंस होता है वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए वो रिवॉल्व करता है। अब जब इंजन अपना वर्क करेगा तो कुछ मेटल पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे के सरफेस के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो जैसे पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है, पिस्टन में क्या होता है, इनटेक आता है ऑयल और एयर का, कंप्रेस होता है, फिर इग्नाइट होता है, उसके बाद एनर्जी देता है, तो अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, सरफेस से एक दूसरे के हिट करते हैं, जो एक्स्ट्रा मेटल पार्ट है वो ऑयल में जाके मिक्स हो जाता है। जैसे क्रैंक शाफ्ट है वो रिवॉल्व करता है, तो उसमें भी जो मेटल पार्ट बचेगा वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और जैसे काउंटर बैलेंस है वो भी रिवॉल्व करता है, वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, तो जो भी मेटल पार्ट्स होंगे एक्सट्रैक्टेड होंगे वो ऑयल में जाके मिक्स हो जाएंगे। तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद वियर एंड टियर उस लेवल पे हो जाता है कि वो जो सरफेस पे एक दूसरे के टकराते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, और जो मेटल स्क्रैप्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो इंजन ऑयल में मिक्स होकर सेटल हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस को वो हिंडर करते हैं, स्मूथनेस भी गाड़ी में उतनी रहती है जबकि गाड़ी नई होती है, और माइलेज भी हमें अच्छा नहीं मिल पाता है। इस मिक्स्ड मेटल को इंजन ऑयल के जो चेंज प्रोसेस होती है उसमें चेंज कर दिया जाता है, नया इंजन ऑयल डाल दिया जाता है। हालांकि यहां पे 500 किलोमीटर में ही हमें रॉयल इनफील्ड के इंस्ट्रक्शंस थे उसको चेंज करना पड़ा था, अगर ये 1000 और 2000 किलोमीटर्स होता तो ज़्यादा बेटर रहता। और आपने सुना भी होगा कुछ एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स होते हैं वो कहते हैं कि इंजन अभी रमा नहीं हुआ है, जब ये रम जाएगा उसके बाद आपको बढ़िया माइलेज मिलेगी। तो उनके कहने का मतलब भी यही होता है कि जो एक्सट्रैक्टेड मेटल्स पार्ट हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली एक दूसरे के मेटल सरफेस में कॉन्टैक्ट में आके बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, सरफेस बढ़िया स्मूथ हो जाता है, उसके बाद जो हम ऑयल चेंज कर देते हैं उससे हमें बेटर परफॉर्मेंस भी मिलती है, बेटर माइलेज भी मिलती है, और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी हमें मिल जाती है। और कुछ सर्टेन लिमिट्स होती हैं, जैसा कि नई गाड़ी है तो उसे हाई आरपीएम पे आपको नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मेटल्स जो हैं उस टाइम पे मेटल के पार्ट्स जो हैं वो जल्दी वियर एंड टियर हो रहे हैं, जब तक वो स्मूथ नहीं हो जाता है उसका सरफेस, तो तब तक आपको कम आरपीएम पे अपनी बाइक या अपना कोई भी व्हीकल, कार वगैरह वो नहीं चलाना चाहिए। सो गाइज आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और आगे भी कार के रिव्यूज़ वगैरह देखने के लिए, बाइक्स के रिव्यूज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।